अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, मेंबर्स को जो है अगर प्रॉब्लम हो रही है कि वो ओरिफ्लेम ऐप में जाके चीज़ों को कैसे सर्च करें, लाइक डिफरेंट सेक्शंस हैं हमारे पास, स्किन ट्रीटमेंट्स हैं, हेयर ट्रीटमेंट्स हैं, कॉस्मेटिक्स है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है वो एसेसरीज हैं, आउटलेट हैं, तो आप कैसे उन सब चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं? सबसे पहले जैसे ही आप ओरिफ्लेम ऐप को ऑन करते हैं तो इस तरीके का आपके पास सेक्शन, ठीक है, या इस तरीके का विंडो, या आप कह लें कि मेन्यू जो हमारे पास ओपन होता है वो ये होता है, ठीक है। अब इसमें आपने सेकेंड वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको पीडीएफ फाइल में ये यहाँ पे कैटलॉग नज़र आ रही है, उसके बाद स्किन केयर से रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट्स हैं उसका सेकंड सेक्शन है, फिर मेकअप, फिर फ्रेग्रेंसेस, सिमिलरली बाथ एंड बॉडी, हेयर एसेसरीज़, आउटलेट वगैरह। फॉर एग्जांपल अगर आप जो हैं वो एसेसरीज़ निकालना चाहते हैं तो आप एसेसरीज़ वाले ऑप्शन पर आएँगे, यहाँ पे आके आपको मल्टीपल जितनी भी एसेसरीज़ में प्रोडक्ट्स होंगी वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसके अंदर भी आइटम्स हैं और डिफरेंट सेक्शंस बने होंगे। ओके जी, इसमें नहीं, इसमें सेक्शंस नहीं हैं। आप देख सकते हैं जो जो बैग्स अवेलेबल है, जो ज्वेलरी अवेलेबल है, अब ये देखिए 6 out of 18 थी। शो मोर पे क्लिक करें तो इसके अलावा जो भी होंगी प्रोडक्ट्स वो भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। सिमिलरली फिर शो मोर पे क्लिक करूँगी तो जो रिमेनिंग प्रोडक्ट्स होंगी वो भी हमें शो हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से जो है वो हम प्रोडक्ट्स को सर्च करते हैं। इसी तरह अगर आपने जो है वो लाइक कोई और चीज़ सर्च करनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है वो फ्रेग्रेंसी सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर आप कैटेगरीज देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी होनी चाहिए, वो आप देख सकते हैं, वो इस तरीके से आपको मिलेगी। सिमिलरली अगर आप जो हैं मेकअप की प्रोडक्ट्स के बारे में सर्च आउट करना चाहते हैं, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी ना वो कंसल्टेंट प्राइस पे होंगी। मींस कि अगर आपने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट की प्राइस बतानी है ना, तो आप स्टार्ट पे उसको जो प्राइस बताते हो वो कस्टमर प्राइस होती है। ये ऐप से जो आप प्रोडक्ट लोगे, कोई भी उसकी पिक्चर लोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, वो कौन सी होगी? ब्रांड पार्टनर प्राइस या कंसल्टेंट प्राइस, जिसको हम कहते हैं 20% ऑफ के बाद वाली प्राइस। लेकिन अब आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने कस्टमर को जो है वो कौन सी प्राइस में प्रोडक्ट्स को देना चाहते हो। अगर आपने उनको कस्टमर प्राइस बतानी है तो आप जो हैं वो गूगल पे जाएं और या फिर अपनी कैटलॉग से पिक्चर्स उठाएं और वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके उनसे शेयर करें। अगर वो चाहते हो फिर बाद में कि हमें 20% ऑफ दिया जाए, तो आप उस प्राइस को 0.8 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर यहाँ पे आके उस प्रोडक्ट को सर्च कर लें। अब मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सबसे पहले कोई प्रोडक्ट मैं ओपन करती हूँ, ये हमारी है जी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में से मैंने कोई एक प्रोडक्ट का उसको ओपन करने की कोशिश की है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि इसका एक कोड भी है, ठीक है, स्पेसिफिक इसके बिज़नेस पॉइंट्स भी नज़र आएंगे आपको और इसके बारे में आपको नॉलेज सारी मिलेगी। अभी मैं आपको बताती हूँ, देखिए इसके अंदर हमारे पास 2 शेड्स अवेलेबल है। ये इली स्किन प्रेस पाउडर है हमारे पास, ठीक है, लाइट एंड फेयर, मुझे लगता है लाइट प्लस और लाइट, ये 2 शेड्स हैं। अब ये देखिए यहाँ पर 16 BP लिखा हुआ है और 1439 ये इसकी प्राइस है, 1439। ये हमारी कौन सी प्राइस है? ये कंसल्टेंट प्राइस है, ब्रांड पार्टनर प्राइस है, जिसको हम कहते हैं कि 20% ऑफ के बाद वाली प्राइस, ठीक है, जिस पे ऑफ लगा हुआ है। लेकिन अगर आप कस्टमर को बताएंगे ये वाली, तो फिर आप, क्योंकि कोई भी ऑर्डर जब भी प्लेस करते हैं तो वो कौन सी प्राइस का ऑर्डर प्लेस होता है? 20% के ऑफ के बाद वाली प्राइस। जब भी आप इसको ऐड टू बैक करेंगे तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर करना मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, अभी जस्ट मैंने आपको ये बताना था कि आपने जो है वो प्रोडक्ट्स को सर्च आउट कैसे करना है ब्रीफली, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस हैं, आपने जो भी प्रोडक्ट जिससे रिलेटेड हो वो आप जाके यहाँ पे सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।